खबर रतनगढ़ से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सरपंच की दादागिरी सामने आती हुई नजर आ रही है। और इसी मामले के अंदर आप सभी को बता दूं कि पट्टेशुदा भूमि के ऊपर अंदर से गंदे पानी के पाइपलाइन प्लॉट के अंदर से डाली गई है, और इसी को लेकर के वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा, और इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये मामला बयां कर रहा है, इसी को लेकर के हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो त्रिलोक, अभी हाल फिलहाल इस मामले के अंतर्गत क्या कुछ सामने आता हुआ नजर आ रहा है और ये मामला क्या बयां कर रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए रत्नगढ़ के मैणासर की घटना है, जो सरपंच के पिता है गंगाधर थालोड़, कि उनके द्वारा खुलेआम दादागिरी कर रहे किया जा रहा है, सरपंच के प्रतिनिधि के नाम पे काम करके ये ताराताई कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्री पट्टा सुधा जमीन पर चलवाया गया ट्रैक्टर व जेसीबी गंदे पानी के निकासी के प्लॉट के अंदर से लाइन डलवाई जा रही है, जबकि पीड़ित परिवार ने इसके बारे में इनका विरोध किया, तो पीड़ित परिवार के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबरन पट्टियां तोड़ दी है, जबरन पुलिस प्रशासन ने भी इसके साथ अवैध तरीके से इनका साथ दिया है। बिल्कुल त्रिलोक, पुलिस प्रशासन ने साथ दिया ऐसा आपका कहना है, लेकिन अभी मामले की जांच के अंदर इसे पुलिस का क्या कुछ कहना सामने आ रहा है? जी, पुलिस का पीड़ित परिवार जो है अभी वो एसपी चूरू से मिल चुके हैं, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ में अवैध तरीके से जो आपका कार्य हुआ है, जबकि इसमें वीडियो के द्वारा भी ये कार्य रोकने के लिए वीडियो के द्वारा भी इन्होंने वो दिया है, लेकिन जबकि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही इसके ऊपर। बिल्कुल त्रिलोक, पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन इसमें जो ये आपसी रंजिश बताई जा रही है, ये आपसी रंजिश किस तरह की है ये बताइए। आपसी रंजिश जो है, इन्होंने पहले जो पीड़ित परिवार है, इन्होंने इसके सामने चुनाव सरपंच का चुनाव लड़ा था, जिसके पुरानी रंजिश राजनीतिक होने की वजह से ये अब रंजिश निकल पा रहे हैं इसे। जी, पीड़ित परिवार पुलिस थाने में बैठा रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाना अधिकारी आने पर भी उन्हें डरा धमकाकर वापस भेज दिया गया। चलिए लोग, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारी जो पट्टा छोटा जमीन है उसमें सरपंच द्वारा जबरदस्ती गंदी पाइप की लाइन डाली जा रही है, इसमें मुकदमा कराने के लिए थाने में गए थे, लेकिन हमारे वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने हमें गुमराह किया और थाने के अंदर नहीं जाने दिया। तो आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है क्या? हाँ सर, रजिस्ट्री है। कौन करवा रहा है ये? गाँव का सरपंच जो राजनीति रंजिश के कारण करवा रहा है, गंगा देसा लो। क्या कह रहा है वो? वो कह रहा है कि गंदे पाइप की लाइन जो जबरदस्ती आपके प्लाट के अंदर से डल जाएगी। तो आपके पट्टियाँ रोपी हुई है क्या? हाँ सर, पट्टियाँ रोपी हैं, उनको तोड़ के फेंक दिया गया रोड द्वारा जबरदस्ती। तो इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी है क्या? पुलिस को सूचना दी, पुलिस सुनवाई नहीं करी है। वीडियो को बताया? वीडियो बताया। क्या कहा वीडियो ने? वीडियो ज्ञापन देखे आए अभी, वीडियो ने कहा कि काम रुका देंगे, लेकिन अभी तक नहीं रुका है। मामला यह है कि हमारा प्लॉट है, प्लॉट में जबरदस्ती सरपंच गंगाधर थालोड़ गंदे पानी, गंगाधर थालोड़ सरपंच है क्या? हाँ नहीं, वो उनका बेटा है रामकृष्ण थालोड़। अच्छा, और गंदे पाइप की लाइन हमारा प्लॉट है, प्लॉट में 25-30-40 फुट डूंगी खोद के चौड़ाई है 40 फुट, हमारा प्लॉट का ढेला कर दिया और उसमें गंदे पाइप की लाइन डाल रहा है। आपने रोका नहीं उसको? मैंने रोका था, मैं भाई सब मिलके रोका था, उनने झगड़ा कर लिया। जमीन का पट्टा है, रजिस्ट्री शुदा है? जरूर पट्टा है। पुलिस क्या कह रही है इस बारे में? पुलिस आई थी वहाँ और हमारे को बोली थी कि आप वहाँ आ जाओ। फिर क्या कहा वहाँ जाने पर? वहाँ हमारे को सुनाई नहीं, आप 10 मिनट रुको, आधे घंटे रुको, 2 घंटा रुको, 15 मिनट रुको, सुबह 7 बजे आए थे, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और पीछे से पुलिस जाब्ता भेज दिया, और अभी हम यहाँ है और वो वहाँ का आपका काम चला रहा है। पुलिस भी है क्या वहाँ? वहाँ पुलिस भी है, पुलिस ने जाब्ता भेज दिया यहाँ से। हाँ बेटा, मैंने कोई काम को, मतलब रोक, मैं काम रोके रोकने के बाद मैं ठंडा काम कर रही, और मैं समय गंगाधर जी थालोड़ के चुनाव रिलेटेड हूँ, भाई के समय हमारे साथ गद्दारी हो रही है, हमारी कोई सुनाई को नहीं हो रही, 1% कोई सुनाई नहीं हो रही। फिलहाल इस रिपोर्ट में तही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।